ओके, हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सोलारा एक्टिव टेक्निकल के चार्ट के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बायोड स्टॉक है। ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है। ये डेली चार्ट है, इसमें हमने MACD लिया है, RSI लिया है, सिंपल डे मूविंग एवरेजेस लिया है, 21 डेज है, 10 डेज है, वॉल्यूम्स है। तो ये एक्चुअली हमने इंग्लिश में 10 दिन पहले डाला था ये चार्ट। उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव आया है स्क्रिप्ट पे और आगे भी अच्छा मूव आएगा। सो लेट अस सी द चार्ट। सो ये एक क्रॉस ओवर था जिसके वजह से प्राइजेस ऊपर गए। ये अगेन क्रॉस ओवर हुआ, कॉन्सनट्रेट हुआ, फिर अगेन प्राइजेस ऊपर गए, क्रॉस ओवर हुआ और ये वापस कंसोलिडेट हो रहा है, वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। और मैंने जैसे खुला इंग्लिश में था 10 दिन पहले, उसके बाद काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है स्कोप स्क्रिप्ट में। तो ये टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस ध्यान में रख के ही निवेश कीजिए है। सो ये MACD काफ़ी पॉजिटिव है, RSI भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, सो बिजनेस भी अच्छा है इस कंपनी का। तो ओवर लॉन्ग यानी थोड़ा लंबी अवधि के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो बहुत ही सिंपल है। ये अगेन क्रॉस ओवर है, अगेन ये ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया, अगेन कंसोलिडेट हुआ, वापस ब्रेकआउट दिया क्रॉस ओवर के बाद, वापस प्राइसेस नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का चांसेस लग रहा है। बाय एट 1000 1050, स्टॉप लॉस 800, टारगेट 1800 से 2000 है, टाइम फ्रेम 31 अप्रैल तक का दिया है इसमें, एक्चुअली 2021 है क्योंकि अप्रैल में फिर 2021 हो जाएगा, और 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। काफ़ी सुंदर स्क्रिप्ट है फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। ये उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो हमने जो चार्ट में डिस्कस किया उसके बारे में। फ्लैग एंड पुल ब्रेकआउट है, टारगेट मिनिमम 1800 है लंबी अवधि के लिए। एक डिस्क्लेमर है जो मैं एवरी वीडियो के बाद रखता हूँ, होप ये आपको पसंद आए, एक्चुअली होप ये वीडियो आपको पसंद आए। और जो भी निवेशक इसमें निवेश करना चाहता है तो अपना डिसीजन खुद ले, इंडिपेंडेंट अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के बाद ही ले। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन देता हूँ हर एक स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, विथ नो गारंटी ऑफ गेन्स और लॉसेस ऑन एनी इन्वेस्टमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।